मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ने और मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आईएएस अधिकारी व जिला पंचायत के सीईओ नंदा भलावे ने ठुमके लगाकर सबका मन मोह लिया। डिंडौरी में आईएएस अधिकारी व जिला पंचायत के सीईओ नंदा भलावे ने नर्मदा तट पर ठुमके लगाकर महिलाओं का मन मोह लिया। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत नए मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम जोड़ने और उन्हें मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रशासन ने सावन के महीने में नर्मदा तट पर महिलाओं का सांस्कृतिक आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे के पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की। वहीं सावन के झूले में झूलती महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर जिला पंचायत के सीईओ व आईएएस अधिकारी नंदा भलावे भी पहुंची और महिलाओं के साथ जमकर थिरकती नजर आई। महिलाएं जो है घर में एक सशक्त माध्यम होती हैं कि घर में कोई मैसेज पहुंचाने के लिए, तो हमने यहाँ पे जो महिलाएं हैं हमारी उनको यहाँ आमंत्रित किया था आज। और जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ भजन वगैरह का कार्यक्रम रखा है। इसके साथ ही हम लोग मतदान करने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए सभी को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार ये प्रोग्राम हो रहा है और इधर पे मेरी सब सखियां मतलब सावन के झूले में गीत गा रही हैं और सब मेहंदी लगा रही हैं, मावर लगा रही हैं, डांस कर रही हैं और कृष्ण जी की प्रतिमा जी को स्थापित करके मां नर्मदा तट पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।